नमस्कार, स्वागत है आपका खबर 24 न्यूज में और आपके साथ में शशि किरण। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भवानी मंडी में गेंदे के फूलों का घटा दाम, दाम घटने से है किसान मायूस। भवानी मंडी में दीपावली मिलन समारोह व सम्मान समारोह हुआ आयोजित, कई प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। भवानी मंडी में 12 से 24 तक होगी अर्धवार्षिक परीक्षा, 1 व 3 दिसंबर तक प्रश्न पत्रों का हुआ वितरण। पिड़ावा में लोग दिखे चुनावी चर्चा करते हुए, हार जीत की चर्चा में है व्यस्त। अब दिखाते हैं खबर विस्तार से। भवानी मंडी में चुनाव थे तब तक नेताओं के गले की शोभा बढ़ा रहे थे, इसलिए भाव भी अच्छे मिल रहे थे। मतदान संपन्न हो गया, अब जरूरत नहीं रही तो माला में लगने वाला गेंदा भी जमीन पर गिरा। वहीं 8 दिन पूर्व पहले 25 से 30 रुपए प्रति किलो की दर पर बिका गेंदे का फूल भाव रविवार को घटकर 8 से 10 रुपए प्रति किलो पहुंच गया। अभी गेंदे के फूलों की जोरदार आवक हो रही है, जिससे दाम घट जाने से किसान मायूस हो गए हैं। फूल व्यापारी राकेश सुमन ने बताया कि वह विक्रेताओं को अब 11 दिसंबर का इंतजार है, जब ईवीएम खुलेगी और फिर से फूलों की बरसात होगी एवं अच्छे भाव मिलेंगे। 8 दिन पूर्व बिक रहा गुलाब 150 से 100 रुपए किलो बिका, अब 40 से 50 बिक रहा है। सफेद फूल 50 से 40 था, जो 20 से 25 प्रति किलो पहुंच गया। भवानी मंडी शहर में प्राचीन शिवालय परिसर में अधगौर ब्राह्मण समाज द्वारा दीपावली स्नेह मिलन समारोह व सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समाज के प्रफुल्ल जोशी ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विष्णु महाराज थे, देवीलाल व्यास व रामगोपाल तिवारी विशिष्ट अतिथि थे। इस दौरान महिलाओं एवं युवतियों ने मेहंदी, कुर्सी दौड़ व रंगोली प्रतियोगिता में भाग लिया, जिन्हें पारितोषित भी किया गया। कार्यक्रम में समाज के रमाकांत दीक्षित, लीला पांडे, कैलाश पांडे, विष्णु दीक्षित, निर्मल तिवारी, नंदलाल व्यास, राकेश शर्मा, अविनाश दीक्षित, गोपाल बावला, श्याम सुंदर, बद्री प्रसाद आदि मौजूद थे। शर्मा को आमंत्रित कर रहा हूँ। एमबीए परीक्षा 2018 में आपने 66 पॉइंट, उनके परिवार से कोई है तो वो आ जाए प्रशस्ति पत्र प्राप्त करने के लिए। नहीं है। श्री राजेश शर्मा का पुत्र को छुट्टी नहीं मिल पाई, इसलिए वो नहीं आ पाया। नगर पालिका भवानी मंडी जिले में राजकीय एवं निजी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अर्धवार्षिक परीक्षा 12 से 24 दिसंबर तक होगी। जिले में 661 सरकारी एवं निजी विद्यालय हैं, जिनमें 315 सरकारी उच्च माध्यमिक व माध्यमिक विद्यालय हैं। वो 186 निजी उच्च माध्यमिक व माध्यमिक विद्यालय हैं। जिला समान परीक्षा योजना माध्यमिक केंद्र सरकार राजकीय सेठ आनंदलाल पोद्दार सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय के परीक्षा संयोजक चंद्रशेखर गुप्ता व सह संयोजक बलराम पाटीदार ने बताया कि कक्षा 9 से 12 तक की अर्धवार्षिक परीक्षा 12 से 24 दिसंबर तक होगी, जिसके लिए भवानी मंडी केंद्र से प्रश्न पत्रों का वितरण 1 से 3 दिसंबर को कर दिया गया है। निजी विद्यालय की परीक्षा संपन्न करवाने के लिए राजकीय विद्यालय से शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। सरकारी व निजी हिंदी व अंग्रेजी के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय के 80,000 विद्यार्थी अर्धवार्षिक परीक्षा देंगे। परीक्षा के दौरान नकल करने वाले विद्यार्थियों पर नजर रखने के लिए उड़न दस्तों का भी गठन किया जाए। भाई है वो भी क्या आगे। विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर आबकारी विभाग द्वारा 11 दिसंबर को सूखे दिवस के रूप में शराब की दुकानें बंद रहेगी, यह जानकारी झालावाड़ आबकारी निरीक्षक मुकेश प्रजापति ने दी। वही भवानी मंडी से सटे मध्य प्रदेश की दुकानें भी बंद रहेगी। सही बाजारों, गली मोहल्लों व चौराहों पर लोग चुनावी चर्चाएं करते दिखाई दे रहे हैं। कस्बे में चाय की होटलों, पान की थड़ियों व चौपालों पर लोग हार जीत की चर्चाओं में व्यस्त है।
वहीं दोनों प्रमुख दलों के कार्यकर्ता भी अपने अपने प्रत्याशी की हार जीत के दावे करते दिखाई पड़ रहे हैं। सभी अपने प्रत्याशी की जीत को लेकर आश्वस्त है। वहीं आम आदमी मजदूर तबका भी जैसे ही अपने काम से फ्री होते ही चुनाव की बातों में व्यस्त हो रहा है। झाड़ापाटन विधानसभा सीट राजस्थान की सबसे हॉट सीट होने के कारण समीपवर्ती मध्य प्रदेश के कस्बों में भी इसी सीट पर हार जीत को लेकर चर्चा की जा रही है। लोग मोबाइल पर स्थिति की जानकारी ले रहे हैं। वहीं मतदान के बाद से ही सभी दलों के कार्यकर्ता व प्रशासनिक अधिकारी भी अपनी थकान दूर कर रहे हैं। सभी को ज्ञात है कि 11 दिसंबर को सारी स्थिति साफ हो जाएगी, लेकिन फिर भी लोग उत्सुकता से एक दूसरे से जानकारी लेने में व्यस्त है। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए खबर 24 न्यूज़। नमस्कार।